Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A semicircular lamina of radius 35 cm is folded so that the two bounding radii are joined together to form a cone. Find the radius of the cone and the lateral surface area of the cone finally formed. तो अब देखिए एक हमारे पास सेमी सर्कुलर लेमिना है, एक तरीके से हमारे पास थोड़ा सा कागज है जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में कटा हुआ है। उसके बाद उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हम जान लेते हैं, ये 35 सेंटीमीटर है, दिस इज द ओरिजिनल रेडियस आर जो सेमी सर्कुलर लेमिना का था। अब इसका हम लोग इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, और अब क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसको ऐसे उठाकर घुमा रहे हैं जिससे कि ये दोनों रेडियाई एक कोन बना लें और इस पॉइंट को इससे ये लोग मिला देंगे। तो ये जो सेमी सर्कल है ये एक्चुअली में बाद में नीचे फुल सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लोग ऐसे बना रहे हैं, तो अपना पॉइंट ए यहीं पर रहेगा और यहां पे हमें सेमी सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा। असली बात ये है कि जो हमारे पास अगर ये दो लाइंस हैं तो उसे हम लोग मिलाकर दोबारा, चलिए हाँ ये दो लाइन्स हैं, इसे मिलाकर हम ऐसे कर ले रहे हैं और वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से इन दोनों को आपस में सिल दिया जाएगा, तो ये सिलन आपको यहाँ पे दिखाई देगी और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये पूरा सर्कुलर हो जाएगा। तो अब अगर ये आर 35 सेंटीमीटर है तो ये वाला आर छोटा हो जाएगा, इसको आर वन बोल देंगे। तो यहां पर अब इसका सरफेस एरिया, इसका पेरीमीटर क्या है, पाई आर, पाई आर इज इक्वल टू 2πr1 है कि नहीं। ये सेमी सर्कुलर है इसलिए 2πr का आधा पाई आर, और ये फुल सर्कल है तो ये 2πr1 होगा। देयरफॉर पाई आर इज इक्वल टू 2πr1। क्यों हम लोग बोल रहे हैं, सिंस द सेमी सर्कुलर पेरीमीटर ऑफ लैमिना विल बिकम द बेस ऑफ द कोन, ये हो जाएगा। ये बात आपको लिखनी चाहिए जिससे कि और समझ में आए एग्जामिनर को कि आप क्या सोच रहे हैं। बस ये जब हो गया तो अब इसके बाद पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा और आर हमें पता ही है, तो आर की जगह हम लोग लिख देंगे 35 और 2r1, r1 क्या हो जाएगा 35/2, 35/2 क्या हो जाएगा, और ये यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इज द यूनिट। तो r1 हमारा कितना हो गया 35/2। बुक आपकी क्या कह रही है, डेसिमल में निकाल रही है, चलो भाई निकाल लेते हैं 17.5 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हम लोग एक आंसर निकाल चुके हैं, तो अगला आंसर निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो देखिए हमने क्या कहा था, एक बार फिर से ये वाली चीज ऐसे घूमकर यहां सिलन बन जाएगी और ये वाली चीज जो होगी वो यहां पर आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्चुअली मिल जाएंगे, है ना। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जा रहे हैं तो मिलेंगे कहां, यहां पर। तो ए से एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये सिलन यहां पर बंद हो जाएगी। ऐसा हो जा रहा है तो पक्का है कि जितना ए से लेके ये वाला पॉइंट है वो 35 है, तो चाहे इसको 35 मान लें चाहे इसको 35, हर जगह
होगा वो 35 सेंटीमीटर ही होगा। 35 सेंटीमीटर यानी हमारा L हो जाएगा, L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब लैटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल लिख देंगे, लेकिन आर वन लगाएंगे क्योंकि यहां पे तो रेडियस जो सर्व कर रहा है वो आर वन है। अब उसके बाद पाई हो जाएगा 22/7, आर वन हमारे पास है, मैं तो 35/2 ही लिखूंगा, और एल हमारे पास है 35। तो एक तरीके से 7 कैंसिल कर देगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, तो 55 × 35 टाइप का कुछ बनेगा, और वो आ जा रहा है 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो होगा ही।